गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। टुडे वील बी डिस्कस चैप्टर वन अवर यूनिवर्स। अवर यूनिवर्स हमारा ब्रह्मांड। हमने पहले भी इस चैप्टर को रीड आउट किया था। हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे, द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम क्या है? ये एक सौर ऊर्जा का एक ग्रह है। ये भी एक क्या है? ग्रह है सोलर सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर क्या है कि जितने भी सूर्य भी इसी के भाग है। सूर्य के भी एक पार्ट होते हैं जो सूर्य के अंदर ही आते हैं। सूर्य उसका क्या है? हेड है। सोलर सिस्टम के अंदर सूर्य क्या है? उसका हेड है। अब हम सोलर सिस्टम के बारे में आज पढ़ते हैं कि सोलर सिस्टम क्या है। अब देखना, मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान रखना, अंगुली लगा के पढ़ना। आपको स्क्रीन पे फोटो दे रखी है, आराम से देखना। ओके, यस। द सोलर सिस्टम इज सेव्ड। इट इज ए पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। द सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सन एंड द एट प्लेनेट्स। इट आल्सो हैज ओवर 160 नो मून्स, एस्ट्रॉइड्स, कमेट्स, डस्ट एंड गैस। इट शाइन्स ब्राइटली बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ टू गैसेस, हाइड्रोजन एंड हीलियम। द सन इज ए स्टार एज इट हैज इट वॉन लाइट एंड हीट। द एट प्लेनेट्स, देयर मून्स, एस्ट्रॉइड, कमेट्स और ऑर्बिट द सन। अब सोलर सिस्टम क्या कहता है कि सोलर सिस्टम जो होता है वो किसके आकार का होता है? एक अंडे के आकार का होता है। किस आकार का होता है? एक अंडे के आकार का होता है। इस टाइप से ये अंडे के आकार का होता है, इसकी ये शेप है। इसी को, इसके अंदर कौन होती है? आकाश गंगा। मैंने आपको पहले न्यू वर्ड्स में बताया था, गैलेक्सी को भी आकाश गंगा कहते हैं और मिल्की वे भी आकाश गंगा इसी का ही पार्ट है। सोलर सिस्टम मेड, ये जो सोलर सिस्टम है जो किसका बना है? ये सन के साथ एक एट प्लेनेट्स से भी जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने यह दिया तुम्हें सूर्य, ये सूर्य दे रखा है। ये सूर्य क्या है? इसका हेड है। क्या इसका हेड है? सूर्य सबसे बड़ा, और इनके सब में साथ में ये इनके क्या है? ग्रह, इनके सदस्य हैं। जैसे अपने घर में दादाजी सबसे बड़े हेड होते हैं, तो दादाजी के बच्चे पोते उनके क्या होते हैं? ये उनके सदस्य होते हैं। इसी प्रकार ये सन के सारे सदस्य हैं। अब सदस्य इनके अपने देखते हैं, पहले ये देखते हैं। सोके, अब ये क्या कहता है कि आल्सो ओवर, ये इनसे ज्ञात होता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। चंद्रमा भी होते हैं, उल्का पिंड भी इसी में होते हैं, डस्ट भी इसी के अंदर है और गैस की इसी के अंदर होती है। और इनके अंदर जो तारे चमकते हैं, स्टार्स, जो क्या करते हैं? ब्राइटली शाइन करते हैं, चमक देते हैं। बिकॉज, क्योंकि बर्निंग ऑफ टू गैसेज, इसके अंदर तो जलने वाली गैसें होती है जो इनको क्या करते हैं? चमकीला करती है। जो गैसें जलती है ना, वो उनको उनके पर गिरती है तो वो चमक होती है, वो ब्राइटली चमकते रहते हैं। कौन कौन सी गैसें होती है? हाइड्रोजन एंड हीलियम। फिर स्टार्स, और इसके अंदर, और ये हमको क्या देते हैं? गर्मी और हीट, लाइट भी देते हैं और गर्मी भी देते हैं। जैसे सूर्य सुबह देखते हो ना कितनी गर्मी होती है और कितनी अच्छी अपने को रोशनी मिलती है। इसके एट प्लेनेट्स होते हैं, मून्स, एस्ट्रॉइड, कमेट्स, ऑर्बिट, और ये सब क्या करते हैं? सूर्य की क्या करते हैं? ये परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट है अपना द प्लेनेट्स। प्लेनेट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मेटीरियल्स सच ऑफ रॉक्स, मेटल्स एंड गैस प्रैक्टिकल। द एट प्लेनेट्स दैट ऑर्बिट द सन आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये कौन है? ये किसके बने होते हैं? अब ये कहते हैं प्लेनेट्स तो होते हैं एक, लेकिन वो अलग अलग मेटेरियल से, अलग अलग रासायनिक पदार्थों से जो बने होते हैं। अब कौन से, और इनकी क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहले, सबसे पहले कौन है? मरकरी। सूर्य के पास वो कौन है? मरकरी। मरकरी को क्या कहते हैं? मरकरी होती है जिसको बोलते हैं बुध। उसके बाद में अपने पास कौन है? वीनस। वीनस, वीनस कौन है? उसका शुक्र। जैसे अपने कहते हैं ना सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, वो इसी प्रकार ये ग्रह इनके साथ किसके साथ रहते हैं? सूर्य के साथ रहते हैं। फिर है पृथ्वी। पृथ्वी क्या? अर्थ, जिसके ऊपर हमारा जीवन व्यापन होते हैं। एक पृथ्वी ही ऐसा है जिस पर हम अपना आराम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। फिर है मार्स। मार्स कौन है इसके अंदर? मंगल। मंगल ग्रह है। ये किसका सदस्य है? ये भी सूर्य का सदस्य है। फिर है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये क्या है? जुपिटर होता है गुरु, जिसको अपन बोलते हैं गुरुवार, बृहस्पति, ये गुरु होता है। सैटर्न होता है शुक्रवार और यूरेनस होता है अरुण ग्रह। और ये नेपच्यून, एक नेपच्यून ग्रह का ही नाम है, इसका कोई ऐसा नहीं है, इसको नेपच्यून ही बोलेंगे। ओके, फिर देखो, द फोर प्लेनेट्स दैट ऑर्बिट क्लोज टू द सन आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स।
अब ये कहते हैं कि जो सूर्य के पास जो सबसे नजदीक जो होते हैं सूर्य के अंदर जो कौन कौन से होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये चार जो ग्रह होते हैं जो किसके पास होते हैं, सूर्य के बिल्कुल नजदीक होते हैं। कौन कौन होते हैं अंदर क्लोज में रहते ही, ये मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये देखो यहाँ दे रखा है मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये सबसे क्या है सूर्य के चारों, ये चारों ग्रह क्या है सूर्य के बिल्कुल क्लोज में है। ठीक है, ये बिल्कुल इसके क्लोज में आ गए। अब कहता है ये मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट्स, मरकरी जो सबसे नजदीक है ये सबसे छोटा प्लेनेट्स है, सबसे सूर्य का सबसे छोटा प्लेनेट्स है। वीनस द ब्राइट, वीनस द ब्राइटेस्ट ब्राइटेस्ट प्लेनेट, और ये जो वीनस जो है सबसे ज्यादा चमकीला होता है इसके जस्ट मरकरी के पास में। देखो कौन है वीनस, ये जो वीनस होता है वो सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है। वीनस कौन सा है, शुक्र, जो कहते हैं ना शुक्र तारा जो अपने को सबसे ज्यादा जो तारा चमकता हुआ नजर आता है उसी को बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा सूर्य के पास आके क्या करता है, चमकता है। सबसे नजदीक में कौन है ये, और सबसे छोटा जो होगा वो है वीनस, जो सबसे ज्यादा टिमटिमाता है। कई बार देखते हैं ना आकाशगंगा के अंदर क्या ये तारा कितना टिमटिमा रहा है, ये वीनस ही बोलते हैं इसको। फिर अर्थ इज द ओनली प्लेनेट नो टू वे लाइफ, एक अर्थ ही ऐसा है जिसके ऊपर हम अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं या हम कर ही रहे हैं। मार्स हैज रस्टी रेड कलर्स सो इट इज कॉल्ड द रेड प्लेनेट, मार्स जो सबसे रस्टी है जो रेड कलर का है ये इसके पास में दे रखा है मार्स। ये क्या है, मार्स क्या है सबसे रेड कलर का, सबसे ज्यादा ये चमकता है, इसको रेड कलर्स इट कॉल्ड द रेड प्लेनेट, इसको रेड प्लेनेट भी कहते हैं। फिर आगे देखिए द फोर प्लेनेट दैट ऑर्बिट फार फ्रॉम द सन आर कॉल्ड आउटर प्लेनेट्स। अब चार जो होते हैं, पहले तो जो फोर प्लेनेट्स बताए थे वो बिल्कुल अंदर की तरफ बताए थे सूर्य के जो बिल्कुल नजदीक है, अब फोर प्लेनेट्स ऐसे हैं जो सूर्य से बहुत दूर हैं, वो कौन कौन से हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये चार हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये चारों ग्रह, ये चारों तो बिल्कुल पास में आ जाएंगे इनके और ये चारों पास के आ जाएंगे इसके, इनसे बहुत दूर होते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर द आउटर प्लेनेट्स, ये क्या है इनके बाहर की तरफ है, ये चार अंदर की तरफ है और चार क्या है सूर्य के बाहर की तरफ रहते हैं। दे आर वेरी बिग इन साइज, जो ये वे बहुत बड़े, इनका साइज क्या होता है बहुत बड़ा होता है। जुपिटर, जुपिटर इज द लार्ज प्लेनेट, ये इनसे दूर क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है और जिसमें जुपिटर सबसे बड़ा है, जुपिटर क्या है सबसे बड़ा, सूर्य का सबसे बड़ा है ये इतना बड़ा है कि ये पूरा एक साथ ऐसे इसको राउंड नहीं करता, इसको भी जाने के लिए रास्ते की जरूरत होती है। जैसे एक पतला आदमी होता है वो इतने से में निकल जाता है, मोटा आदमी होता है उसके लिए अपने को जगह की जरूरत होती है, इसलिए ये सबसे बड़ा सूर्य का सबसे बड़ा प्लेनेट है। और सबसे छोटा कौन सा बताया था आपको, मरकरी, कौन सा बताया था सबसे छोटा, मरकरी, और सबसे बड़ा कौन सा हो गया अपना, जुपिटर। अबे जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट, सबसे बड़ा है। सैटर्न हैज मैनी रिंग्स राउंड इट, अब जो सैटर्न है सैटर्न में क्या खूब सारी रिंग्स होती है, ये देखो मैंने अभी बताया इसके अंदर एक रिंग्स और होती है, आपको देखो इस वीडियो के अंदर सबके अंदर देखो एक जो सैटर्न दे रखा इसके अंदर एक रिंग और होती है, इसके अंदर सबसे ज्यादा रिंग्स होती है, इसको राउंड करना होता है, ठीक है, रिंग्स राउंड इट। यूरेनस हैज मोर देन 22 मून्स, नेपच्यून इज द फेदर्स प्लेनेट फ्रॉम द सन, सो के ये है इसके आठ ग्रह, सबसे नजदीक कौन है सन है और ये इनके ग्रह है, सबसे नजदीक कौन सा होता है मरकरी होता है और सबसे छोटा कौन सा होता है वीनस होता है और सबसे दूर कौन सा होता है, सबसे दूर आपको मैंने कौन सा बताया था जुपिटर, नहीं सबसे बड़ा होता है और सबसे बड़ा ये कौन होता है सैटर्न, सबसे इससे दूर होता है, सो के अब इस चैप्टर को मैंने आपको रीड आउट करवाया है, इसको ध्यान से देखना, एक एक लाइन देख के इसको रीड आउट करना, इसको समझना, इसके मैंने आपके न्यू वर्ड्स भी करवा रखे हैं, इनको ध्यान से देखना और इसको अगर समझ में आ गया और आ भी गया होगा, आपको इतने अच्छे ढंग से करवा रहे हैं इसलिए इसको लाइक जरूर करना इस वीडियो से। ओके, थैंक यू।